बोलो समस्ता ही सेवा है, बोलो समस्ता ही सेवा है, स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत। अब चलो चलो पार करना पर पड़ी गल तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वच्छता ही सेवा है, स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत। चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो ये पखवाड़ा पूरे भारत सेवा करनी है, स्वच्छता ही सेवा है। मैं आज के दिन अपने पंचायत के लोगों को, वृद्धों को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ। जो मोदी जी का संदेश है, आज का जो हमारा हफ्ता जो पखवाड़ा चल रहा है कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत। इसका मीनिंग कि हमारा अगर गली मोहल्ला साफ होगा, हमारी पंचायत साफ होगी, हमारा ब्लॉक साफ होगा, हमारा शहर साफ होगा, तो हमारा हिंदुस्तान भी साफ होगा। ये मिशन इसलिए चलाया है, 2 अक्टूबर को हमारे पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के को डेडिकेट किया है। उनका सपना था कि भारत देश जो है साफ सुथरा होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ कैसे होगा, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारी ड्यूटी बनती है। हमने अपनी सेवा जो श्रम सेवा करनी है, जो समाज की सेवा है, अपनी गली साफ करनी है, अपनी नाली साफ करनी है, कम से कम डेली नहीं कर पाए तो हमने हफ्ते में एक बार सभी ने मिलकर एकजुट होकर सफाई करनी है। अपने इर्द गिर्द की गलियाँ नालियाँ ये सफाई करनी है। तो प्रधानमंत्री जी का देश को साफ सुथरा और स्वस्थ देखने का, बनाने का, उसमें हमें भागीदार बनना है और अपने मोहल्ले को, अपनी गली को भी साफ रखना है। अगर हमारी गली मोहल्ला साफ है तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। अगर हमारी मोहल्ले गली में गंदगी है तो हमारे बच्चे भी बीमार होंगे, हमारे बुजुर्ग भी बीमार होंगे। आपने देखा पिछले दिनों कितनी बीमारियाँ कितने फैली हुई थी, कितने हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग की इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कारण क्या, ये गंदगी, और गंदगी से हमें दूर रहना है। जैसे अभी रेनी सीजन है, मानसून का मौसम है, पानी भी इकट्ठा नहीं होने देना है। वहाँ पे डेंगू मच्छर तैयार हो रहा है और डेंगू मच्छर जिसको लड़ता है तो वो बीमार हो जाता है। मैं दोबारा आपके माध्यम से अपने लोगों को बेनती करूँगा कि आपने हफ्ते में एक बार श्रमदान जरूर करना, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी पंचायत के लिए, अपने लोगों के लिए, और एकजुट होकर अपनी मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है। अपनी जो गवर्नमेंट संस्थाने हैं, जैसे ये पार्क है जिसको साफ रखना है, स्कूल है साफ रखना है, मंदिर है साफ रखना है, गुरुद्वारा है साफ रखना है, कोई
रखना है। हम सब भाई हैं, भाईचारे रहना है और साफ सफाई रखनी है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय।